हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू जी के में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, यानी कि कुछ सरकारी योजनाएं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है सुपोषित माँ अभियान। दोस्तों, सुपोषित माँ अभियान जो है ये माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया के अंडर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। दोस्तों, ओम बिरला हाल ही में लोकसभा स्पीकर बने हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, कोटा राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया सबसे पहले और 1 मार्च 2020 को इसे लॉन्च किया गया। आइए दोस्तों, जानते हैं स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम सपोर्ट करती है प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स को, जिन्हें न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत होती है और अगर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है सही से, तो ये जो स्कीम है इसके अंडर में उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, प्रोसेस क्या है? तो एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के अंडर में प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर करना होता है उनके, तो उनके जानकारी, उनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जो है प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया की, तो माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया जो है ये बनाने का लक्ष्य इंडिया को कब तक का रखा गया है दोस्तों? 2022 को। दोस्तों, आइए बात करते हैं राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है और राजस्थान के जो गवर्नर है वो कौन है। दोस्तों, पता होगा आपको अशोक गहलोत जो है वो है राजस्थान के सीएम, और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है कलराज मिश्रा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है दामिनी हेल्पलाइन सर्विस। दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वुमेन हेल्पलाइन सर्विस है और इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, UPSRTC यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है UPSRTC के? तो ये हैं राजशेखर। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दामिनी हेल्पलाइन सर्विस आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, दामिनी हेल्पलाइन सर्विस जो है वो निर्भया योजना के अंडर में काम करती है और एक यूनिक नंबर है 8114277777। दोस्तों, ये जो नंबर है ये अभी भी फंक्शन में है और आप चेक कर सकते हैं इसे। और एक्चुअली ये जो नंबर है इसमें अगर ये सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए बनाया गया है, जो वुमेन पैसेंजर होती हैं जो बस से ट्रेन से ट्रैवल करती हैं, तो अगर उन्हें किसी तरह के कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम को बता सकती हैं और उसका सॉल्यूशन इमिडिएटली उन्हें मिल जाता है। दोस्तों, ये जो सर्विस है, ये सर्विस कब तक का, मतलब इसका टाइमिंग क्या है, फंक्शनल टाइम क्या है दोस्तों? तो ये है 9 AM to 6 PM। तो दोस्तों, जब ये लॉन्च किया गया था 15 जैन 2020 को, तो उस टाइम ये भी कहा गया था कि अगर इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, ये 24x7 सर्विस कर दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव। दोस्तों, आज के डेट में साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो इसके मद्देनज़र महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, और वो इनिशिएटिव क्या है? साइबर सेफ वुमेन, मतलब वुमेन को सेफ्टी देने के लिए, वुमेन और बच्चों को खासकर सेफ्टी देने के लिए उन्होंने ये जो है इनिशिएटिव लिया है। तो इस इनिशिएटिव के अंडर में होगा क्या? दोस्तों, ये एक अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएंगे बहुत सारे, और उस अवेयरनेस कैंप्स में वुमेंस को बताया जाएगा, उन्हें अवेयर किया जाएगा कि किस तरह से साइबर क्राइम से किस तरह से दूर रहा जाए और किस तरह से इससे इसमें ना फंसा जाए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होगा महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं अभी वो हैं भगत सिंह कोशियारी
और अगर सीएम की बात करें तो ये है उद्धव ठाकरे। ओके दोस्तों, दोस्तों आइए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में है इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना। दोस्तों इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना जो है ये लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं 8 स्टेट्स में उसमें लॉन्च किया गया है। कौन कौन से स्टेट्स हैं दोस्तों? असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम, इन 8 स्टेट्स में इसे लॉन्च किया गया है। और दोस्तों कब लॉन्च किया गया है? 8 जनवरी 2020 को। और इसे अप्रूवल जो मिला है इसे वो किसने अप्रूव किया है? इसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ सकते हैं कि पाइपलाइन ग्रिड का लेंथ क्या था, तो लेंथ क्या था दोस्तों? 1656 किलोमीटर। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि कितना मनी अलॉट किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो कितना किया गया था दोस्तों? 555 करोड़ रुपीज़। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, आखिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब ये जो गैस ग्रिड परियोजना जो प्रोजेक्ट है इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन्हें ऑटोमोबाइल्स के लिए सीएनजी और हाउस होल्ड्स के लिए कुकिंग गैस और फ्यूल्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में 5 PSUs ने मिलकर काम किया है। और वो 5 PSUs कौन से हैं? ONGC, गेल, NRL, ऑयल एंड गेल। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट जो है उन्होंने अम्मा वोडी स्कीम जो है वो लॉन्च किया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है दोस्तों? YS जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों ये जो सीएम है यहाँ के, मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये अम्मा वोटी स्कीम लॉन्च किया है। और कब किया दोस्तों? 9 जनवरी 2020 को। लेकिन ये जो फोर्स में आया, ये जो एक्शन में आया, वो आया 26 जन 2020 को। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या लक्ष्य था इसका, मतलब ये जो स्कीम लॉन्च किया गया ये किस लिए लॉन्च किया गया? तो इसका एम था जो लो इनकम फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चे जो हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाता है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए उनकी माँ को 15,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की गई इस स्कीम के अंडर में। ओके दोस्तों, 15,000 रुपये सालाना, मतलब कि 15,000 रुपये एक वर्ष में देने की बात कर। दोस्तों अगर बात करें कि इस स्कीम का जो लाभ है वो किन लोगों को मिलेगा, तो इस स्कीम का लाभ राशन कार्ड होल्डर को मिलेगा, जो BPL के अंडर में आते हैं उन्हें मिलेगा, और लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो होते हैं उन्हें मिलेगा। दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 20% ऑफ टोटल एजुकेशन बजट, जो टोटल एजुकेशन बजट है उनका आंध्र प्रदेश का, वो है 32,618 करोड़ रुपीज़। तो उसका 20% जो है वो इसमें खर्च किया जाएगा। ओके दोस्तों, और अगर गवर्नर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरचंद्रन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।